असलकम दोस्तों कल रात गुजरावाला में इमरान ख़ान ने इम्पोट हकूमत को अल्टीमेटम तो नहीं दिया लेकिन फिर से वार्निंग जारी की लेकिन कल फिर से एस्टेब्लिशमेंट को भी मुखातिब करके इमरान खान ने कहा कि अगर पाकिस्तान इकनॉमिकली कोलेप्स करता है तो इसके जिम्मेदारी एस्टेब्लिशमेंट पर आयद होगी उन्होंने कहा कि आप नहीं देख रहे कि कैसे पाकिस्तान के माशी हालात का फ़ायदा दुनिया उठा रही है ऐसे ही हालात रहे तो दुनिया पाकिस्तान से हमारी सबसे कीमती चीज़ मांगेगी यहाँ उन्होंने एक दफ़ा फिर से बात की पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स की कि दुनिया इस पर नज़र रखे हुए है और दुनिया पाकिस्तान के मौशी हालात का फ़ायदा उठाएगी और इन हालात से सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान की सिक्योरिटी को होगा ये इमरान खान ने फिर से वही बात की जो एक दफ़ा समी इब्राहिम के साथ इंटरव्यू के दौरान की थी और इसके बाद इमरान खान के खिलाफ एक प्रोपागेंडा शुरू कर दिया गया था कि देखो इमरान खान मुल्क दुश्मन है वो पाकिस्तान के एटॉमिक वेपन्स के बारे में दुश्मन की जुबान इस्तेमाल कर रहा है कि पाकिस्तान के वेपन्स खत्म हो जाएंगे लेकिन इमरान खान ने जो बातें कही उसके लॉजिक को ये लोग समझ नहीं पाए इमरान खान ठीक कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट करता है तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान को दुनिया से मांगना पड़ेगा और दुनिया हमसे अपनी सबसे कीमती चीज मांगेगी जैसे कि अमेरिका में कहावत है कि देर इज नो लंच कुछ दो और कुछ लो खैर कल भी ऐसी ही बातें की इमरान खान ने और इसके बाद चले गए वापिस और यहाँ इमरान खान ने डिनर किया लाला मूसा में बिना किसी सख्त सिक्योरिटी में जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं था ये इमरान खान की जमात वालों को सोचना चाहिए कि इमरान खान को ऐसे किसी भी जगह मत लेकर जाया जाए जहाँ उनके पास मुकम्मल सिक्योरिटी ना हो एक दो गार्ड्स क्या कर लेंगे बेनजीर के साथ भी ऐसा ही हुआ था कि इनको इनकी जमात वाले कह कह कर गाड़ी से बाहर निकालते थे कि निकलो बाहर अवाम को हाथ हिलाओ फिर क्या हुआ इनको वहाँ पर गोली मार दी गई तो इमरान खान को भी पब्लिक प्लेस पर निकलने से पहले सोचना चाहिए कि उनकी लाइफ को काफी थ्रेट्स हैं और कल ही खबर आई थी कि इमरान खान के जहाज़ में खराबी पेश आई जिसके बाद इसकी लैंडिंग करवा दी गई नहीं तो कोई हादसा भी पेश आ सकता था जबकि इससे पहले इमरान खान के काफले में मौजूद गाड़ी में भी आग लग गई थी जिससे यह तासुर मिला था कि इमरान खान को पैगाम दिया जा रहा है इनको डराया जा रहा है कि बाज आ जाओ हम किसी भी वक्त कुछ भी कर सकते हैं और इन खबरों को भारतीय मीडिया ने भी बहुत रिपोर्ट किया कि पाकिस्तान के सबक वज़ी अजम का जहाज क्रैश होते बचा है उनको लाइव थ्रेट्स मौजूद हैं और वो इसमें से निकलने में कामयाब रहे सिर्फ भारतीय मीडिया नहीं इंटरनेशनली तमाम मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया है और एक थ्रेट जाहिर किया है कि इमरान खान को पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज्यादा थ्रेट है भारत में मोदी को 30 मिनट पंजाब में रोड पर रुकना पड़ गया था क्योंकि वहां पर ट्रैफिक ब्लॉक थी तो पूरे मुल्क में एक इमरजेंसी की सूरत हाल बन गई थी जबकि इमरान खान बेशक अब प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे लेकिन पूरा पाकिस्तान इमरान खान को ही प्राइम मिनिस्टर समझता है और कल रात जलसे में ये पोस्टर देख आपको अंदाजा हो गया होगा कि लोग किस कदर इमरान खान के साथ खड़े हैं तो इमरान खान को इस वक्त स्टेट लेवल की सिक्योरिटी की ज़रूरत है जबकि ऐसी सिक्योरिटी मरियम नवाज को दी जा रही है जो कि एक मुजरिमा है जिनको ना की सजा सुनाई गई है लेकिन वो फिर भी बैठ कर हकुमत के फैसले कर रही है सो आपकी दोस्तों क्या राय है क्या पी टी आई के बाकी रहनुमाओं को ऐसी लापरवाही करनी चाहिए इमरान खान को लेकर क्यूँकी जो थ्रेट कर रहा है इमरान खान को वो ऐसे मौकों का ही वेट कर रहे होते हैं और हाल ही में बाबर एवान भी कह चुके हैं की इमरान खान को लाइफ थ्रेट लेटर्स भी मसूल हो जाते हैं, इसको अदालत में पेश किया जाता है तो ऐसी हाल में भी इमरान खान को पब्लिक प्लेस में ले जाना और वहाँ पर सिक्योरिटी भी कम रखना क्या ऐसी हाल में इमरान खान को रखना चाहिए जो कि पाकिस्तान के सबक प्राइम मिनिस्टर रहे हैं आप अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर दीजिएगा